Welcome back once again, myself Anshu Kumar Pathak, and in this particular session I am trying to solve a question given by one of my student. So I want to explain this. I have already sent it, this solution into the group, but dear friend, what is the basic need of PCR that you have to understand? Agar aap PCR karna chahte hain to aapko kya chahiye? अगर आपको डबल स्टैंडर्ड डीएनए एम्प्लीफाई करना चाहे आप चाहते हैं तो एक प्राइमर आपके फॉरवर्ड स्ट्रैंड से होना चाहिए और दूसरा होना चाहिए नीचे वाले स्ट्रैंड से, ठीक है? ये दिमाग में मैं आपको बैठा, ठीक है, कि अगर आप पीसीआर कर रहे हो तो पीसीआर के दरमियान आपको टू सेट्स ऑफ प्राइमर की जरूरत पड़ेगी, एक तो फॉरवर्ड और दूसरा रिवर्स, दैट्स इट। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि इसी में सारा सोल्यूशन छिपा हुआ है। योर ऑल क्वेरीज एंड ऑल सोल्यूशन इज ऑलरेडी गिवन इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन ओनली। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू जस्ट थिंक ओवर द बेसिक्स ऑफ पीसीआर एंड देन ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन। सो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन। व्हाट इज द क्रैक्स ऑफ दिस स्टोरी ऑफ दिस क्वेश्चन? योर ग्रेजुएट एडवाइजर आस्क यू टू एम्प्लीफाई ए फॉलोइंग सिक्वेंस थ्रू पीसीआर। डीएनए सिक्वेंस आपको दिया हुआ है। द सिक्वेंस इज 24 बेस पेयर लॉन्ग। जो भी यहाँ पे हमें सिक्वेंस दिया गया है 24 बेस पेयर का ये दिया हुआ है, ठीक है? दैट वन द 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड सेकंड वन इज 3 प्राइम टू 5, ठीक है, नो डाउट। चलिए आगे चलते हैं। टू इंश्योर द इंटायर सिक्वेंस अबव, है ना, टू इंश्योर दैट द इंटायर सिक्वेंस अबव इज एम्प्लीफाइड, व्हाट 6 न्यूक्लियोटाइड प्राइमर शुड बी यूज्ड फॉर द पीसीआर मिक्स। तो आपसे पूछ रहे हैं कि आप क्या करोगे और कौन से 6 न्यूक्लियोटाइड आप पीसीआर न्यूक्लियोटाइड आपसे प्राइमर्स मांग रहे हैं जो कि वो मास्टर मिक्स में यूज करेंगे। पीसीआर जब लगाएंगे तो वो 6 बेस पेयर का वो यूज करेंगे। तो आप लोग सभी को पता है कि वी हैव टू नीड टू सेट्स ऑफ प्राइमर, वन फ्रॉम द फॉरवर्ड इंड एंड सेकेंड फ्रॉम द रिवर्स इंड, ओके। सो आप देख सकते हो पहला आप क्या प्राइमर यूज करोगे, शुरू से ले लो 6 बेस पेयर हो गया है तो एक क्लियर हो गया। ए टी ए, देखिए ए आप ए टी ए और सी जी सी, ये हो गया आपका फॉरवर्ड प्राइमर। सेकंड क्या होगा, तो ये जो आप देख रहे हो सेकंड बेस पे, ये जो आप देख रहे हो ये है क्या, टी टी ए जी जी ए, तो यहां है टी टी ए जी जी ए। बिकॉज देखिए जब भी हम नॉर्मल कहते हैं ना, यहाँ पर रिवर्स कॉम्प्लीमेंट, आप लोग पूछेगा कि रिवर्स भी आप सेम यूज कर रहे हो, 5 प्राइम से टी टी ए और जी जी ए आप यूज कर रहे हो, ए प्राइमर यूज कर रहे हो, क्यों ये यूज कर रहे हो भैया? यहाँ पे आपको दोनों स्ट्रैंड के सिक्वेंस नोन है, इसीलिए आपको यहाँ पे रिवर्स कॉम्प्लीमेंट करने की जरूरत नहीं। चुपचाप यहाँ से आप ले लीजिए 6 बेस पेयर और दे दीजिए। होता क्या है, जब हम जनरली जब एनसीबीआई पे जाते हैं तो हमें सिक्वेंस जो मिलता है वो जो भी एनसीबीआई पे जाएगा तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम का ही सीक्वेंस हमें लोडेड मिलता है, यानी एक फ्रैगमेंट का ही मिलता है। तो जब हम रिवर्स प्राइमर बना रहे होते हैं तो नीचे से लेते हैं उसको, पहले हम रिवर्स कॉम्प्लीमेंट करते हैं, लेकिन यहाँ पे रिवर्स कॉम्प्लीमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज यू हैव ऑल बोथ द फ्रैगमेंट इज गिवन हियर। ऐसे इन जनरल आप जब आप भी कोई पीसीआर करेंगे तो आपको दोनों फ्रैगमेंट नोन नहीं होगा, एक फ्रैगमेंट नोन होगा। एक फ्रैगमेंट क्या होगा, आपको रिवर्स कॉम्प्लीमेंट के थ्रू आपको सेकंड स्टैंड निकालना पड़ेगा, ठीक है? तो उस केस में आप क्या करेंगे, रिवर्स कॉम्प्लीमेंट बनाएंगे। तो ए हो गया आपका सेट ऑफ प्राइमर, तो पहला आंसर आपका क्लियर हो गया कि ए हो गया आपका सेट ऑफ प्राइमर जो आप यूज करेंगे। लेकिन जब आप ये भेजते हैं तो और जो रिसीव करते हैं वो प्राइमर डिफरेंट आ जाता है। प्राइमर क्या आपको आता है, सो देखिए प्राइमर आपको आता है सी जी, देखिए सी जी सी ए ए टी, तो मार्क करिए कहाँ पे आपको मिला, सी जी ए, सॉरी सी जी सी ए ए टी, ए 6 बेस पेयर का आपको मिला है, ठीक है? और सेकंड मिला है जी जी ए सी सी टी, तो जी जी ए सी सी टी ए 6 बेस पेयर, ठीक है? अब बताओ एम्पलीफाई होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा भाई, होगा, क्यों? लेकिन होगा क्या, सिर्फ यहां से यहां एम्पलीफाई होगा और यहां से यहां एम्पलीफाई होगा। कितने बेस पेयर गायब हो गए, 3 इधर से 3 इधर से, यानी 6 बेस पेयर माइनस हो जाएंगे। यानी कहने का मतलब पहले था 24 बेस पेयर
लॉन्ग सीक्वेंस अब क्या हो जाएगा, थ्री इधर से, यानी अब टोटल 18 बेस पेयर बचे जो एम्पलीफाई हुए, ठीक है। अब कह रहा है आपको 10 राउंड ऑफ पीसीआर करना, तो 2 to the power n हम करते हैं नंबर ऑफ साइकिल के लिए, तो 10 आपका दिया हुआ साइकिल, तो इतने हो जाएंगे, इतने कॉपी बनेंगे। और अगर आप कहेंगे कि सिंगल स्टैंड कितना बनेगा, तो इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तब आपको मिल जाएगा नंबर ऑफ डीएनए स्टैंड्स। अब आ जाइए तीसरी बात पे, ये 2 क्लियर हो गए, यहाँ भी क्लियर और यहाँ भी क्लियर, चलिए ठीक है, इसको इरेज करते हैं, ये क्लियर हो गया और ये क्लियर हो गया। अब हम आते हैं तीसरे पे, ठीक है, ये दिया हुआ ए टी ए सी जी सी और ए दिया हुआ, ये 2 सिक्वेंसेज दिए हैं, पहले इसको मार्क करते हैं कहाँ पे ये दोनों सिक्वेंस लोकेटेड है। तो पहला देखिए ए टी ए सी जी सी, तो ए भैया आपको ए मार्क किया, ठीक है, और दूसरा है टी सी सी टी ए ए। अब देखिए दूसरा भी जो प्राइमर सेट है वो आपको ऊपर वाले ही फ्रेगमेंट में कर दिया है। अब जरा आप बताओ कि इस तरह से क्या पीसीआर पॉसिबल है, क्या इस तरह से डीएनए सीक्वेंस एम्पलीफाई हो सकता है कि एक ही फ्रेगमेंट से दोनों रिवर्स और फॉरवर्ड प्राइमर आप बना लो और एम्पलीफाई कर लो। तो भैया दिस इज नॉट पॉसिबल इन जनरल, इन जनरल हमारे बात को ध्यान से सुनिएगा, इन जनरल एम्पलीफिकेशन और डबल स्टैंडर्ड डीएनए विल नेवर एम्पलीफाई। क्यों नहीं, क्योंकि आप एक ही स्ट्रेच ऑफ डीएनए से आप क्या कर रहे हो, इसको एम्पलीफाई करने की कोशिश कर रहे हो, गॉट इट। चलिए तो ये आप कहो कि भैया एम्पलीफाई हुआ कि नहीं, बिल्कुल होगा बेटा, ये जो फ्रेगमेंट है ये वाला एम्पलीफाई होगा इधर से, और गलती से अगर प्राइमर इधर से लग गया तो इधर से एम्पलीफाई हो जाएगा, यानी एम्पलीफिकेशन इज पॉसिबल बट ओनली सिंगल स्टैंडर्ड। हो सकता है दोनों बाइंड कर जाए तो बीच में वॉलिस हो जाए, ट्रंकेटेड डीएनए आए, कुछ भी पॉसिबिलिटीज है, या तो इधर से बाइंड कर जाए इधर से बाइंड कर जाए, या दोनों टाइप से बाइंड करके बीच में वॉलिस हो जाए, तो फ्रेगमेंट कुछ भी मिल सकता है, बट हाँ इट इज ओनली गोइंग टू बाइंड टू ए सिंगल सेट ऑफ द फ्रेगमेंट्स, नॉट ऑन द सेकेंड, बिकॉज यू आर ओनली जनरेटिंग प्राइमर फ्रॉम द अपर फ्रेगमेंट नॉट फ्रॉम द लोअर वन, सो इट ओनली पॉसिबल टू गेट अ सिंगल कॉपी। यहाँ पर मैंने 10 कॉपी लिखा है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए का जो कॉपी है वो सिर्फ सिंगल होगा, क्योंकि एक कॉपी तो होगा ना टेम्पलेट में, एक कॉपी तो होगा, तो एक कॉपी मिलेगा आपको डबल स्टैंडर्ड डीएनए का, लेकिन उसके बाद वो एम्पलीफाई नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपके पास दोनों सेट प्राइमर के नहीं है, दोनों फ्रेगमेंट के सेट के प्राइमर नहीं है, इसीलिए टू सिंथेसाइज डबल स्टैंडर्ड डीएनए दिस इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू। ओके समझ में आया, तो सिंगल कॉपी मिलेगा, ठीक है, चाहे आप 10 राउंड कर लें, चाहे 100 राउंड कर लें, कुछ भी कर लें, जो टेम्पलेट में पड़ा हुआ होगा वो बस सिंगल कॉपी आपको मिलेगा, क्योंकि वो एम्पलीफाई नहीं होगा। समझ में आया, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट। किसी बच्चे ने सॉल्यूशन मुझे भेजा था, तो ये इन्होंने कहा कि ये ऑर्डर प्राइमर है जो भी है ब्ला ब्ला ब्ला, बट बेटा ये कहना कि यहाँ कोई डाउट का कोई क्वेश्चन ही नहीं उठता, जो आपने लिखा है आपको कोई डाउट की जरूरत ही नहीं, यहाँ पे बिल्कुल क्लियर सॉल्यूशन दिया हुआ है कि ऐसा नहीं पॉसिबल है, समझ गए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट, सी यू सून, आई विल कीप इन टच। प्रोबेबली प्रॉब्लम ये हो जा रहा है कि हमारे पास टाइम के बहुत कंस्ट्रेंट हो रहे हैं, इसलिए मैं वीडियोज नहीं बना पा रहा हूँ। आई विल रियली हेल्प यू गाइज, सो स्टे ट्यून, और कोशिश कीजिए आपस में मिलजुल करके जितना क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश कीजिए, बिकॉज एग्जामिनेशन आई नो इज वेरी नियरर टू यू, सो प्लीज गाइज हेल्प ईच अदर। ओके थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट, सी यू सून इन टू द नेक्स्ट।